वाद के जो उपासक हैं वो लोग ये सब करते रहे। उसके बाद संविधान बना, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनवाने का बहुत अहम काम किया उसमें, और उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान लाए गए कि भाई जिससे कि अनटचेबिलिटी खत्म हो, शेड्यूल्ड कास्ट को रिजर्वेशन मिल सके, कि दलितों के खिलाफ जो लोग अत्याचार कर रहे हैं वो सब बंद हो सके। SC ST एक्ट भी उसके बाद बना। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ साल से, पिछले 5-6 साल से, खासकर जब से ये सरकार केंद्र में शासन में आई है, तब से पूरे देश में दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ गया। जगह जगह से खबर आ रही है कि दलितों को बेरहमी से पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तरह तरह के अत्याचार, और खासकर उन राज्यों में हो रहे हैं जहां पर भाजपा का शासन है। और राज्यों में भी हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि और राज्यों में नहीं हो रहे, लेकिन खासकर वहां पर उन राज्यों में। और अब जो हम देख रहे हैं, जो आज हो रहा है, जिस तरह से, क्योंकि एक इस अत्याचार के खिलाफ पहले एक दलित पार्टी, बहुजन समाज पार्टी उभर कर आई, इस सरकार ने देख लिया कि उसको कैसे कब्जे में किया जा सकता है, उनके लीडरों को पकड़ पकड़ा के उनके खिलाफ केस वेस बनाकर उनको शांत कर दिया। उसके बाद एक चंद्रशेखर आजाद और लोगों ने ये भीम आर्मी का गठन किया, और ये तेजी से उभर कर दलितों की आवाज, ये संगठन बनता जा रहा था पूरे हिंदुस्तान में, खासकर यूपी में। और इसको देखते हुए कि किस तरह से भीम आर्मी को क्रश किया जा सके, पूरी बिल्कुल व्यवस्थित साजिश इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने, यूपी की सरकार ने मिलकर करी। पहले इसको चंद्रशेखर आजाद को अरेस्ट किया गया, तरह तरह के चार्जेस लगा दिए गए, खूब सारे, सब में बेल मिल गई। उसके बाद उसको NSA में बंद कर लिया, उसके एक साल बाद उसको रिहा किया, और उसके बाद जहां जहां वो कुछ एक्टिविटी करता है, जब भी किसी रैली में जाता है उसको अरेस्ट कर लिया जाता, उसको जाने नहीं दिया जाता। पूरे देश में बार बार जगह जगह ये बात, ये घटनाक्रम हुआ है पिछले कुछ सालों में। जहां जहां उसने जाने की कोशिश करी, चाहे कोई पब्लिक मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको रोका गया। और जब ये रविदास मंदिर के खिलाफ एक बड़ा हुजूम चला, यहां से वो रामलीला मैदान से तुगलकाबाद तक, तुगलकाबाद पर जाकर उन सबको रोक कर, और किन लोगों ने वहां पर कुछ वायलेंस हुआ, किन लोगों ने किया, इसका ठीक पता नहीं है, लेकिन कुछ वीडियोस हैं जो ये लोग आपको दिखा सकते हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों ने किया उनके नाम FIR में नहीं है। वो यही भाजपा के संग जो जुड़े हुए संगठन है उसके कुछ लोग हैं, और उनके खिलाफ FIR नहीं है, लेकिन जो लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे, 96 लोगों के खिलाफ FIR करके उनको अरेस्ट कर दिया जाता है। और इसी तरह से सहारनपुर की जो घटना हुई, कि जिन लोगों ने वो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी उनके खिलाफ FIR तो बहुत हल्की सी कर दी, और उसमें कोई नाम नहीं दिए, और जिन लोगों ने उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया उनके खिलाफ खूब सारे सेक्शंस लगाकर खूब सारे लोगों के नाम डाल दिए, यहां तक कि चंद्रशेखर आजाद के भाइयों के नाम भी डाल दिए जो वहां थे भी नहीं। उसके खिलाफ जो ये थ्रेट्स दी जा रही है करनी सेना वगैरह की,
उनका वीडियो दिया गया, एफआईआर लॉन्च करने की कोशिश करी, एफआईआर नहीं लॉन्च हो रही। मतलब ये क्या हो रहा है? फिर से आप वही हालात पैदा कर रहे हैं जिस तरह से प्राचीन समय में दलितों के खिलाफ जब मनुस्मृति के उपासक जिस तरह से अत्याचार करते थे, उसी तरह का माहौल आज फिर से बनाया जा रहा है देश में इन लोगों के द्वारा, जो लोग आज शासन में हैं और जो लोग बिल्कुल दलित विरोधी हैं। और वो लोग ये नहीं समझ रहे कि जब आप इस तरह से अत्याचार करेंगे तो आप कितना भी कुचलने की कोशिश करें, कितना भी पुलिस का इस्तेमाल करें कुचलने के लिए, कितना भी शासन का इस्तेमाल करें, लेकिन वो लोग उठेंगे। और इसमें खतरा ये है कि जब ये पानी नाक के ऊपर चढ़ जाएगा तो बड़ा विस्फोट होगा। नहीं समझ रहे ये लोग, या परवाह नहीं करते कि आप इतना अत्याचार किसी भी समुदाय के ऊपर करेंगे तो उसका रिएक्शन होगा, एक ना एक दिन उसका रिएक्शन होगा। और यह बहुत खतरनाक चीज है इस देश के लिए। एक तो आप एक तो अत्याचारी बहुत बहुत गलत चीज है, इस तरह से आप अत्याचार कर रहे हैं एक वैसे ही दबे हुए समुदाय के ऊपर, और ऊपर से आप ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिसमें कि एक बड़ा विस्फोट होने का की संभावना हो जाती है। तो इसलिए ये सब बंद होना चाहिए, ये सब पूरे देश के लोगों को समझना चाहिए कि ये सरकार क्या कर रही है, ये जो भाजपा और उसके साथ एसोसिएटेड संगठन है, ये लोग क्या कर रहे हैं हमारे देश में, हमारे समाज में किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं दलितों के ऊपर। और ये तुरंत बंद होना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, आम जनता की आवाज उठनी चाहिए, जिसका एक बहुत बड़ा माध्यम मीडिया होती है। आप लोगों को बताना चाहिए, दिखाना चाहिए कि क्या हो रहा है। दिखा रहे हैं बहुत सारे लोग, अच्छा दिखा रहे हैं, और इसी की वजह से ये सब चीजें उजागर होकर आ रही हैं। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।